हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है क्लास 6, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि 6वीं क्लास के विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। उससे संबंधित जो है 6वीं क्लास से टॉप 250 क्वेश्चन जो है सेट किया गया था, ठीक है, जो इससे क्वेश्चन बनते थे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी जो है 100+ क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और इस वीडियो में जो है हम 100+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। 6वीं क्लास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास के जो क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 और 2 में कम्प्लीट कराया गया है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस चैनल द्वारा जो है फ्री में क्लासेस प्लस फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्री नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धातुओं से औजार बनाए जाते हैं, तो धातुओं से औजार बनाए जाते हैं कैसे? धातुओं को गर्म करके बनाए जाते हैं, गर्म धातुओं को पीट कर भी बनाए जाते हैं, मशीनों से धातुओं को आकार देकर ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? उपयुक्त सभी। तो आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए, इसीलिए जो है कुछ कुछ क्वेश्चन जो समझ नहीं आते हैं उसको प्रैक्टिकली भी देखना जरूरी रहता है, इसीलिए मैं आपके लिए जो है, ताकि आपके लिए इजी हो, इसीलिए इमेज भी जो है डालती गई हूँ, ऐड करते गई हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पुष्प के विभिन्न भागों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है हमको देखना है। तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर, मूलांकुर, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, मूलांकुर जो है पुष्प के विभिन्न भागों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर और स्त्री केसर जो है सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? केवल 5, ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। देखिए आप पार्ट्स के नाम, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फूल है, ठीक है, फूल के विभिन्न भाग आप देख सकते हैं। देखिए, पराग कोष और तंतु को क्या कहा जाता है? पुंकेश्वर कहा जाता है, ठीक है, पुंकेश्वर कहा जाता है पराग कोष और तंतु को, और वर्तिग्राग्र और वर्तिका और अंडाशय को जो है क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर इसका नोट्स चाहिए फ्रेंड, तो नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जो है बाह्य दल कहा जाता है, ठीक है, और अंडाशय, ठीक है, ओवरी के अंदर जो होता है वो अंडाशय होता है, ठीक है फ्रेंड। आपको पसंद आए वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग को भी जो है फायदा मिले, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड? देखिए, पत्तियां जो है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, ये जो है गलत है, ठीक है, सही नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। कौन कौन से तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तना जो है, तना जल एवं खनिज की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, ये कथन सही है। और पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों से संग्रहित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन बनाती है, और पत्तियों से भोजन जो है पूरे शरीर में, यानी कि पेड़ के अन्य भागों में वो संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
जड़ें मिट्टी से जल और भोजन यानी कि खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये कथन जो है सही है, ठीक है। और जालिका रूपी सीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो कौन सा जड़ नहीं है, देखो गाजर, मूली और शलजम, ये जो है जड़ है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। और आलू जो है एक भूमिगत तना है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है फ्रेंड, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक कौन कौन से हैं, देखो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये चारों जो है आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पत्तियां ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं, ठीक है, थीके? ऑक्सीजन जो है रिलीज करती है, लेकिन ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 किसमें दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप समझें, सूर्य से जो है प्रकाश आ रही है, क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, तो पत्ती में जो है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही जो है ग्रीन कलर होता है यानी कि हरा कलर होता है। तो प्रकाश से जो है यानी कि प्रकाश अवशोषण करती है और जल के साथ जो है वो क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण करती है और ऑक्सीजन जो है रिलीज करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, वृक्षों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वृक्षों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तने की मोटाई या दुर्बलता के आधार पर, और पादप की लंबाई के आधार पर, पेड़ के फैलाव और कोमलता के आधार पर, उपयुक्त सभी तरीके से जो है वृक्षों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधों के वर्ग हैं, तो पौधों के भाग कौन कौन से हैं ये हमको देखना है। देखिए साग भी है, झाड़ी भी है और वृक्ष भी है, तो ये तीनों प्रकार के जो है पौधों के वर्ग हैं। विषर्पी लता है, तो विषर्पी लता क्या है, विषर्पी लता जो है ककड़ी है। तने का कार्य है, तो तने का कार्य क्या है, पादपों को सीधा रखना यानी कि पौधों को सीधा रखना, और जड़ से अवशोषित पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाना, पत्तियों से निर्मित खाद्य पदार्थ जड़ तक पहुंचाना, ये जो है तने का कार्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का कार्य है, तो पत्ती का कार्य क्या है, पेड़ की सुंदरता बढ़ाना, खाद्य पदार्थ का निर्माण करना, ऑक्सीजन बनाना, ये तीनों प्रकार के जो कार्य हैं वो पत्ती के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्ती के भाग हैं। तो पत्ती के भाग कौन कौन से हैं फ्रेंड, पर्णवृत्त, पर्णफलक, पर्णकोर यानी कि पर्ण से जिसको कहा जाता है, तो ये तीनों जो हैं पत्ती के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पत्तियों में सीरा विन्यास पाया जाता है। तो पत्तियों में सीरा विन्यास कैसे पाया जाता है, किस टाइप का पाया जाता है, समांतर सीरा विन्यास और जालिकावत सीरा विन्यास दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पत्तियों से जल निकलने की क्रिया है। तो पत्तियों से जल जो निकलता है तो कौन सी क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जड़ के कार्य हैं, तो जड़ के कौन से कार्य हैं, पादप को स्थिर रखना, भूमि से जल व खनिज लवण अवशोषण करना, ये भी सही है, और मिट्टी के कटाव को रोकना, ये सभी जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल के प्रकार हैं, तो मूल के प्रकार यानी कि जड़ के प्रकार क्या है फ्रेंड, ये हमको देखना है। देखिए मूसला जड़ और झकड़ा मूल, यानी कि मूसला मूल और झकड़ा मूल, ये दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुष्प के भाग हैं, तो पुष्प के भाग कौन कौन से हैं, देखिए बाह्य दल है, दल है और जनन भाग है, उपयुक्त सभी जो है पुष्प के भाग हैं। आप देख सकते हैं पुष्प के भाग, आपको जो है नोट्स आसानी से, ताकि आपको इजीली समझ जाए, ऐसा मैं नोट्स बनाई हूँ,
और इजीली क्वेश्चन जो है आपको समझ आएगा, ठीक है। कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो जो है फ्री होंगे, ठीक है। उसका चार्जेस कोई नहीं लगेगा। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें जो है आप पुष्प के भाग से देख सकते हैं, वर्टिकाग्र जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। वो वर्टिका और अंडाशय, जायांग, दल और परागकोष, जिसको ये कुछ टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है परागकोष है और पुंकेश्वर, परागकोष जो है पुंकेश्वर से वो चिपका हुआ होता है। बाह्य दल और पुष्पासन और पुष्पवृत्त, ठीक है। तो ये जो है पुष्प के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुष्प में मादा जनन अंग है। तो पुष्प में मादा जनन अंग क्या है फ्रेंड, देखिए। बाह्य दल, दल, पुमंग ये नहीं है, ठीक है। जायांग जो है पुष्प में मादा जनन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मादा जनन ये जो है अंडाशय जिसमें रहता है वो जायांग होता है, ठीक है। तो ये जो है पुष्पों में मादा जनन अंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुष्प में नर जनन अंग है। तो पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है, पुमंग होता है, ठीक है। याद रखना पुमंग होता है। तो ये जो है इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्त्री केसर या जायांग के भाग हैं। तो स्त्री केसर या जायांग के भाग कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। ये तीनों जो है स्त्री केसर या जायांग के भाग हैं। बीज का विकास होता है, तो बीज का विकास कहाँ पे होता है फ्रेंड, बीज का विकास जो है अंडाशय में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुंकेश्वर के भाग हैं। तो पुंकेश्वर के भाग कौन से हैं, परागकोष है और पुतंतु और परागकण, ये तीनों जो है पुंकेश्वर के भाग हैं। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है विचार करना है और जो सही आंसर है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और छोटी हो जा मोटी हो जाती है एवं अस्थि को खींचती है। फ्रेंड जैसे कि आपका जो है कोहनी वाला भाग है या घुटना वाला भाग है, ठीक है, वो जो है अगर हम फैलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है छोटी हो जाती है, ठीक है। संकुचन की अवस्था में वो क्या होती है, छोटी होती है, कठोर होती है और मोटी हो जाती है, ठीक है। और क्या करती है, अस्थि को वो खींचती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केचुए की शरीर रचना एवं उपयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसको हमको बताना है। तो केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। तो असंख्य होती है क्या, शरीर की पेशियां नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, केचुए का मेरुदंड लंबा और शरीर की पेशियां जो है क्षीण एवं असंख्य होती हैं, पेशियां असंख्यनीय होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, केचुआ तत्व त्वचा द्वारा जो है श्वसन करती है, यानी कि सांस लेती है। केचुआ जो है त्वचा के सहायता से, त्वचा के द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड, घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है और इसका यह अस्तित्व अस्थियों का नहीं बना होता है। यानी कि देखिए घोंगा का, अभी अगर आपने घोंगा देखा होगा, ठीक है, घोंगा देखा ही होगा सभी ने, तो जो का बाह्य कंकाल जो है यानी कि बाह्य कवच बाह्य कंकाल कहलाता है और वो जो है अस्थियों का नहीं बना होता है, ये जो कथन है सही है। और घोंगे की पेशियां पाद चलने में उसकी सहायता करती है, तो ये भी जो है सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक और दो, दोनों सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सूची दिया गया है, ठीक है, उसमें जो है हमको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें जो है तिलचट्टा जो है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, ठीक है। तिलचट्टा का जो, अब अगर आपने देखा होगा तो वो जो है बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, उसका जो ऊपरी वाला भाग है वो हार्ड होता है, ठीक है। और दूसरा जो है पक्षी जो है इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और मछलियां जो है इसके शरीर में धारा रेखी होती है। और सर्प जो है इसका शरीर अनेक वलय यानी कि लूप्स में वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंदुक लखी का खली का संधि पाई जाती है। तो कंदुक खली का संधि कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कंधे की हाथ के साथ जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है धुराग्र संधि है। तो धुराग्र संधि कहाँ पे पाई जाती है, क्या है? तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि जो है धुराग्र संधि है। हिंज संधि है। तो हिंज संधि क्या है? घुटनों की और कोहनी की संधि को हिंज संधि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर में कितने अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी यानी कि जांघा की हड्डी होती है, ठीक है, यानी कि पैर के पास जो होती है, ठीक है, जांघा की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी जो है आपको कानों में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव में श्रोणि अस्थियां होती हैं। तो मानव में श्रोणि अस्थियां कौन सी होती हैं? कूल्हे की अस्थियां होती हैं। कान बना होता है, तो कान किसका बना होता है फ्रेंड? कान जो है उपास्थि का बना होता है। पेशियों का कार्य है, तो पेशियों का कार्य क्या है फ्रेंड? पेशियों का कार्य है अस्थियों को गति करना, कंकाल को आवृत करना और जो है शरीर की क्रियाएं करना, उपयुक्त सभी प्रकार के कार्य जो है पेशियों के कार्य हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, धारा रेखीय गति किसमें होती है? तो धारा रेखीय गति किसमें होती है? मछली में होती है। मानव शरीर में गति होती है, तो मानव शरीर में गति कैसे होती है? पेशियों के फैलने तथा सिकुड़ने से होती है। निम्न में से चलने के आधार पर अलग है। तो चलने के आधार पर अगर देखा जाए तो तिलचट्टा, पक्षी और तितली ये जो है उड़ते भी हैं, ठीक है, लेकिन सर्प जो है वो उड़ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्प अलग है चलने के आधार पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधों और जीवों में अनुकूल यानी कि अडाप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको विचार करना है और सही कथन हमको बताना है, ठीक है। तो पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, तो ये अनुकूलन कहलाता है। तो ये जो है सही है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है, ये जो है सटीक उदाहरण नहीं है अनुकूलन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि केवल एक, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, देखिए, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं, ठीक है। और चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। तो ये जो है सही है, ठीक है। एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर किस में है, एक और दो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। इसके अनुकूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड,
ऑप्शन ए केवल एक, यानी कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, ये जो है कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है, देखिए मछली जो है अलग है, और मछली का जो शेप है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अलग होती है, लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस वो जो है सेम दिखते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है, तैरने की तरीका भी जो है वो सेम होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्क्विड है और ये जो है ऑक्टोपस है, ठीक है, और सेम दिख रहे हैं ना, और तैरते भी वो सेम है, ठीक है। और मछली जो है इससे अलग है, तो आप जो है ऐसे कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, आपको जो है इजी रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, स्क्विड और ऑक्टोपस, यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए यानी कि देखिए, इसमें जो है ऑक्टोपस तो अलग ही है, ठीक है, इसमें वेल और डॉल्फिन, वेल और डॉल्फिन जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, वेल जो है डॉल्फिन की तरह ही दिखता है, ठीक है, और डॉल्फिन आप देख सकते हैं, ठीक है, और वेल भी, दोनों समुद्री जीव हैं और दोनों जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो इसीलिए जो है वेल और डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 किसमें दिया गया है, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, देखिए इसमें जो है आपको पत्ता दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तने की सहायता से होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तने में, ठीक है, आप देख सकते हैं नागफनी का पौधा, इसमें जो है तने में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं, और इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं, तो क्या करती हैं पत्तियां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। देखिए, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं, इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित कार्य से क्या करती हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी, गलती होती है सबसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है पत्तियां, और जो है वायु को जो है ऑक्सीजन को जो है निष्कासित करती है हमारे लिए, ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो किस में श्वसन प्रक्रिया श्वसन जो है संपन्न होती है, देखिए इसमें जो है पौधों में भी श्वसन होता है और जीव में भी होता है और बीज में भी होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के अनुकूलन होता है, तो सजीवों के अनुकूलन क्या होता है फ्रेंड, आवास के प्रति और खाद्य सामग्री के प्रति, वातावरण के प्रति, ये सभी के प्रति सजीवों को जो है अनुकूलन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैव घटक है, तो जैव घटक क्या है, देखिए सूक्ष्म जीव भी है जैव घटक, और पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव घटक है, तो अजैव घटक कौन से हैं, चट्टान है, मिट्टी है, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये जो है क्या है, अजैव घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊंट में अनुकूलन है, तो ऊंट में अनुकूलन क्या है, गर्म तथा मरु आवास के प्रति अनुकूलन है, ठीक है, यानी कि गर्म स्थान में रहते हैं ऊंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु क्या है, ठंडी जलवायु, हिमयान होना, हवाएं चलना, तो उपयुक्त सभी प्रकार के जलवायु होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। बच्चे उत्पन्न करने वाले जंतु हैं, तो बच्चे उत्पन्न करने वाले जंतु कौन से हैं, देखिए मानव, शेर, बकरी जो है वो बच्चे उत्पन्न करने वाले जंतु हैं। नेक्स्ट है, मछली के अनुकूलन है, तो मछली के अनुकूलन क्या है, जलीय आवास के प्रति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जलीय आवास के प्रति मछली में शारीरिक अनुकूलन है, तो कैसे अनुकूलन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए श्वसन, क्लोरोफिल
क्रोम द्वारा और शरीर धारा रेखीय तथा शल्कों से ढका होना और जो है पंख एवं पूंछ चपटी होना, इसका जो है यानी कि मछली शारीरिक अनुकूलन जो है जलीय आवास के प्रति है मछली का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मरुस्थलीय पादपों में से किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां छोटी या कांटों में जो है रूपांतरित होता है और तना मोटी परत से ढका होता है और गहराई तक जड़ें होती हैं। तो उपयुक्त सभी तरीके का जो है जो लक्षण है वो होता है मरुस्थलीय पादपों में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डॉल्फिन एवं वेल में श्वसन अंग है, तो डॉल्फिन और वेल में श्वसन अंग जो है कौन सा है, नासा द्वार होता है। छुई मुई यानी कि गुल मेहंदी जिसको कहा जाता है अनुक्रिया दर्शाती है, तो किस टाइप का अनुक्रिया दर्शाती है, कभी आपने जो है छुआ कर देखा होगा तो जो है मतलब वो लजवंती है, ठीक है, वो जो है मुरझा जाती है, तो वो जो है स्पर्श के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। अंडज जंतुओं का सही समूह है, तो अंडज जो है इसका सही यानी कि जंतुओं का सही समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कौवा, शुतुरमुर्ग, सारस और बाज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पादपों में प्रजनन का तरीका है, तो पादपों में प्रजनन का तरीका क्या है, इसमें जो है बीज द्वारा भी होता है, कलम द्वारा भी होता है, कलिका एवं काई काई के भाग द्वारा जो है प्रजनन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जलीय आवास के प्रति जलीय पादपों में अनुकूलन पाया जाता है, तो किस टाइप का अनुकूलन पाया जाता है, देखिए जड़ें छोटी एवं मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जो है जमाए रखना और तना लंबा खोखला एवं हल्का होना, इसलिए जो है पानी में वो तैरते हैं, और पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती हैं, तो उपयुक्त सभी की तरह लक्षण जो है वो जलीय आवास के प्रति यानी कि जलीय पादपों में अनुकूलन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन होती है, तो किस टाइप की अनुकूलन होती है, इसमें जो है त्वचा मोटी या फर से ढकी होती है और मजबूत खुर या पंजे होते हैं, शरीर लंबे और घने बालों से ढका होता है, और उपयुक्त सभी जो है इसमें पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के पारिस्थितिक प्रति अनुकूलन होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली नियंत्रण करती हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या नियंत्रित करती है, देखिए कोशिका के भीतर तथा बाहर जल एवं कुछ विलेयों के मार्ग का जो है वो नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशिका भित्ति एक पारगम्य कला होती है, इसमें जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस मार्ग से पता चल सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल रोमों में भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों का अनावश्यक तत्व होता है, तो पादपों का अनावश्यक तत्व क्या है, बेरियम है, क्योंकि मैग्नीशियम पोटेशियम और कैल्शियम ये जो है पादपों के लिए आवश्यक होता है, लोह यानी कि आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से क्या होता है फ्रेंड, आयरन की कमी से जो है सर्वप्रथम जो है युवा पत्तियों में अंतरशीर्य हरिमाहीनता होता है यानी कि पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या होता है, देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो है अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में आवश्यक रूप से मिलते हैं, तो प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या मिलते हैं, प्रोटीन में आवश्यक रूप से आपको मिलता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एथिलीन गैस है, तो एथिलीन किस टाइप का गैस है, एथिलीन गैस से जो है क्या होता है फलों को पकाने को तेज करती है एथिलीन गैस, यानी कि फलों को पकाने में यूज किया जाता है एथिलीन गैस। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो अंगुल यानी कि मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में जो है
कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक है, तो एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक कितना है? कैल्विन है, ठीक है, यानी कि मात्रक जो है तापमान का मात्रक कैल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दूरी को मापने का मात्रक था, तो प्राचीन काल में दूरी को मापने का मात्रक क्या था? जब मशीन नहीं था तो जो है पैरों की लंबाई के आधार पर मापा जाता था। निम्नांकित में से कौन सा 20वीं शताब्दी का आविष्कार नहीं है? तो कौन सा 20वीं शताब्दी का आविष्कार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के प्रकार हैं, तो गति के प्रकार कौन से हैं फ्रेंड? सरलरेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति, ये तीनों जो है गति के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में मान्य मात्रक है, तो संपूर्ण विश्व में मान्य मात्रक क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा जो है एसआई मात्रक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सैन की परेड की गति है, तो सेना की परेड की गति क्या होती है? सरल रेखीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे की पंखुड़ी की गति होती है, तो पंखे पंखे की जो पंखुड़ी की गति क्या होती है? वर्तुल गति होती है। वस्तु यानी कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, यानी कि वस्तु जो है, यानी कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और हमें हमारे जो है आंखों की तरफ आता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों को बदलने से क्या उनकी छायाओं में रंग में जो है परिवर्तन होता है? यानी कि कुछ प्रकार के या फिर अपने में ही अगर हम कलर लगाते हैं या फिर कुछ जो छाया देती है उसमें जो है हम कलर करते हैं, क्या छाया में भी कलर होता है? नहीं होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सरल रेखा में गमन करता है, तो सरल रेखा में क्या गमन करता है? प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। वस्त्र है, तो वस्त्र क्या है फ्रेंड? वस्त्र जो है पारभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः पारदर्शी वस्तु है, तो पूर्णतः पारदर्शी कौन सा है? कांच है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कथन सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन सा है ये हमको ज्ञात करना है। देखिए, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, ये सत्य है। आकाश में स्थित सूर्य एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ये भी सत्य है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण के परावर्तित हो जाता है, तो ये भी जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से सत्य कथन है, तो निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं ये हमको देखना है। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखे जा सके उसे जो है पारदर्शी वस्तु कहा जाता है, तो ये भी जो है सही है। जिस जो है आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहा जाता है, और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, वो जो है धुंधला होता है, तो अपारभासी वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि हमारा कपड़ा। और ऐसी वस्तुएं जिनके जिनके आर पार नहीं देख सकते उनको जो है, क्योंकि ये प्रकाश को अपने से गुजरने नहीं देती, ये जो है अपारदर्शी कहलाती है। तो ये जो है तीनों कथन सत्य है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है ये हमको सेलेक्ट करना है, तो इसमें से सत्य कथन क्या है? दर्पण वस्तुओं का परावर्तन है, इसमें जो है परावर्तन होता है, तो ये जो कथन सही है। सूची छिद्र कैमरे की सहायता से हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का प्रतिबिंब सरलता से देख सकते हैं, तो ये भी सही है। और वस्तुएं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी प्रकार की होती हैं, ये जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं है, तो प्रदीप्त वस्तु कौन सा है फ्रेंड ये हमको देखना है। देखिए, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा और प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका और गैस बर्नर की ज्वाला, ये तीनों जो है प्रदीप्त होती हैं, प्रदीप्त वस्तु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अदीप्त वस्तु है, तो अदीप्त वस्तु कौन सा है फ्रेंड? अदीप्त वस्तु जो है, देखिए, दर्पण, चंद्रमा, सूर्य और जल, ये जो है यानी कि सूर्य यानी कि अदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है और जो सही है उसको बताना है, तो इसमें जो है
विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। तो ये कथन जो है सही है। और विद्युत सेल में एक सिरा उत्पन्न यानी कि धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है, ये कथन भी सही है। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है तभी जो है अट्रैक्शन होता है। और विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त तीनों कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको विचार करना है और जो सही है उसको हमें बताना है। तो इसमें जो है थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती, यानी कि क्या बोला रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो विद्युत चालक का उदाहरण क्या है, क्या है, देखिए मानव शरीर है और एल्युमिनियम की पत्ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत सेल का आविष्कार जो है अलेसान्द्रो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत स्विच है। तो विद्युत स्विच क्या है, विद्युत स्विच जो है एक साधारण उपकरण है और परिपथ को जोड़ने वाला उपकरण है और परिपथ को तोड़ने वाला उपकरण भी है। ठीक है, विद्युत स्विच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे बड़ा चालक, सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा है ये हमें देखना है। तो हमें विद्युत बिजली घर से प्राप्त होती है, बिजली घर से प्राप्त होती है विद्युत। ठीक है, ये जो कथन है सत्य है। और बल्ब केवल जो है यानी कि बल्ब केवल तभी दीप्तिमान होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो ये कथन भी सत्य है। विद्युत बल्ब में एक तंतु यानी कि फिलामेंट होते हैं जो उनके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। ये भी कथन सत्य है, यानी कि उनके टर्मिनलों से जो है जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद्युत सेल से संबंधित तथ्य असत्य है। तो कौन सा जो शब्द है वो असत्य है ये हमको देखना है। देखिए विद्युत सेल में दो सिरे, धन टर्मिनल व ऋण टर्मिनल होते हैं, ये सत्य है। और विद्युत सेल का उपयोग ही विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये जो है गलत है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कथन असत्य है ऑप्शन सी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कथन सत्य कथन है, यानी कि सत्य कथन कौन सा है हमको देखना है। देखिए विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा जो है धातुओं से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चुंबकों के कथनों पर जो है विचार करना है और सही कथन हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, तो ये सत्य है। चुंबक जो है एक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को जो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तो ये भी सही है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक और दो दोनों, यानी कि एक और दो किसमें दिया गया है फ्रेंड, एक और दो जो है आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, देखिए प्लास्टिक, जूता, किताब, ये जो है प्लास्टिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चाकू जो है चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में जो है ध्रुव कितने होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, दक्षिण और उत्तर ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से अचुंबकीय पदार्थ है। तो अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट कौन से हैं चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन चांदी जो है अचुंबकीय पदार्थ है। चुंबक किन दिशाओं को बताता है, तो चुंबकीय कौन दिशा को बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन को हमको सेलेक्ट करना है, यानी कि देखिए
जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबकीय कहलाते हैं। तो ये जो कथन है सत्य है, चुंबक के ध्रुव उसके सिरे को नजदीक होते हैं, तो ये भी सत्य है। और लोहे के टुकड़ों से बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का बुरादा चुंबक में चिपकता है, तो लोहे का बुरादा किसमें चिपकता है ये हमको देखना है। देखिए, अधिक उत्तरी ध्रुव पर और अधिकांश दक्षिण ध्रुव पर चिपकता है, अधिकांश बीच में जो है नहीं चिपकता है। ठीक है, यानी कि ये चुंबक है, ठीक है, ये बीच में नहीं चिपकेगा। ठीक है, बुरादा जो भी है, चुंबक का बुरादा, यानी कि जहां पे दक्षिण और उत्तर ध्रुव होंगे वहीं पर ही चिपकेगा। ठीक है, बीच में नहीं चिपकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं ये हमको देखना है। तो लोहा भी है, निकल भी है, और कोबाल्ट भी है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न कारणों यानी कि कारण से चुंबक अपने गुण खो सकता है, तो किन किन कारणों से खो सकता है अपने गुण, तो ये हमको देखना है। देखिए, चुंबक को गर्म करने पर जो है चुंबक का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज जो है चिपकने का वो चला जाता है, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर भी चला जाता है, और चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर भी चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से असत्य कथन हमको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए, चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसके गुणों पर जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड ये हमको देखना है। असत्य कथन जो है, लोहा निकिल कोबाल्ट जैसी वस्तुएं अचुंबकीय है पदार्थ हैं, तो ये जो है गलत है, क्योंकि लोहा निकिल कोबाल्ट जो है चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो वाष्पन, वाष्प ऊर्जा उत्सर्जन, संघनन, तो ये क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से किन कारण यानी कि कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की भारी यानी कि बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। यानी कि कभी आपने जो कि ठंडा ग्लास पकड़ा होगा, तो ग्लास के बाहरी साइड जो है एक भाप युक्त जो है बूंदे, पानी की बूंदे आ जाती हैं। ठीक है, तो वो किसके कारण आती हैं ये हमको बताना है। देखिए, वाष्प उत्सर्जन के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यानी कि देखिए, यानी कि जल चक्र के संदर्भ में वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, नहीं, और जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में जो है वाष्प उत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नहीं है, और वायु में प्रविष्ट जल से जो है बादल बनते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल जो है पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। ये कथन सत्य है, यानी कि तीन जो है सत्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए अनुमानतः कितने जल की आवश्यकता होती है, तो किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के लिए 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल से घिरा हुआ भाग है, तो पृथ्वी का जल से घिरा हुआ भाग कितना है, 3/4 भाग है, यानी कि 75 भाग जो है जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वायु में जल किस रूप में पाया जाता है, तो वायुमंडल पे जो है वायु में जल किस रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। हमारे उपयोग के लिए जल प्राप्ति का स्रोत है, तो जल प्राप्ति का स्रोत क्या है, नदी है, कुआं है और तालाब है, ये तीनों जो है जल प्राप्ति के स्रोत हैं। निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन सा है ये हमें देखना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग समुद्रों व महासागरों में है, और जल चक्र भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है, ये भी सही है, और जल वाष्प वायु में संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनाती है, तो उपरोक्त सभी कथन जो है सही है।
तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सेट कर करके लाते रहेंगे, और सारे क्वेश्चन जो है सारे क्लासेस फ्री में लिए जा रहे हैं, और साथ ही नोट्स भी जो है फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां से आपको फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन के साथ।